तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन के लिए मैं इतने दिन से वेट कर रहा था। एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव में और आज ही मेरा ट्रेन है। जैसे कि अभी सुबह के 3 बज रहा है तो सुबह के 6 बजे मेरा ट्रेन है, तो मिलते ट्रेन में। फाइनली निकल चुके हैं, कैब आ गया है। कितना मिनट लगेगा फिर? और ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद मुझे मेरा कैब थाने स्टेशन पहुँचा देती है। और सुबह 4 बजे थाने स्टेशन पहुँच के स्लो लोकल लेके मैं सीधा पहुँच जाता हूँ CST रेलवे स्टेशन। CST पहुँच के सबसे पहले मैंने टिकट निकाल लिया क्योंकि मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं किया है। इसके अलावा मुझे सीट भी लेना था जो मुझे मिल गया है। खैर आज मैं गीतांजलि एक्सप्रेस से हावड़ा जा रहा हूँ जो कि मुझे 30 घंटे में हावड़ा पहुँचा देगा। और जनरल बोगी पे लोग कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और खड़गपुर रूरकेला स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँच जाती है हावड़ा रेलवे स्टेशन। वेलकम टू हावड़ा। हावड़ा पहुँच के सबसे पहले एक कुल्फी चाय पिया एंड उसके बाद हावड़ा ब्रिज को एंजॉय करते करते मैं पहुँच गया टैक्सी स्टैंड। आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन से मुझे जाना था सियालदह रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ का लोकल्स की हालत देख के मैंने सोचा कि आज मैं टैक्सी से जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे टैक्सी का जो फेयर है वो मुझे सूट नहीं हुआ, तो सोचा मैंने कि पैदल ही चल दूँ। थोड़ी देर पैदल चलते ही मुझे लगा कि मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस ले लेता हूँ। और यहाँ के बस की हालत को देख के ऐसा लग ही रहा था कि आज मेरा ट्रेन मिस होने वाला है। और ज़्यादा सोच विचार ना करके मैं फिर भी बस स्टैंड पहुँच जाता हूँ। अपने टाइम नहीं है, बहुत टाइम बहुत कम है सर, एक घंटा बचा है, बस एक घंटे में पहुँचना, दूसरा ट्रेन लेना है भाई साहब। बस से उतरते ही काली माँ का दर्शन हो गया और प्रणाम करके 2 प्लेट प्रसाद भी खा लिया। इसके अलावा यहाँ का मैंने लोकल कुल्फी चाय और पूरी भाजी दोनों ट्राई किया, तो अगर आप कभी भी कोलकाता आ रहे हो तो दोनों ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। खैर खाना वाना खा के मैं स्टेशन आके देखता हूँ कि मेरा ट्रेन मिस हो गया है और मुझे इसके लिए और 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। और मेरा नेक्स्ट ट्रेन 2 घंटे के बाद है जो मैं स्किप करके दार्जिलिंग मेल लेता हूँ, तो आज मैं जाऊँगा दार्जिलिंग मेल से। खैर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर जरूर जाना। बाय। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव में जिसके लिए मैंने सियालदह से कल दार्जिलिंग मेल लिया था। बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन दार्जिलिंग मेल भी मुझे आधे रास्ते तक छोड़ देगी, उसके बाद मुझे एक और ट्रेन लेके जाना होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुंबई के मुकाबले यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है और मैंने कोई स्वेटर्स वगैरह भी लेके नहीं आया। शाबाश बेटा। रात के समय ट्रेन के अंदर इतना ठंड तो नहीं लग रहा था, लेकिन सुबह होते ही मुझे जो ठंडी लगना चालू हो गया ना भाई साहब। और सुबह सुबह अपने बॉडी को टॉनिक देने के लिए एक लेमन टी पी लिया जो काफी हेल्पफुल हुआ था मेरे लिए। और लेमन टी पी के मैं अपने दूसरे स्टेशन पर उतर जाता हूँ, इतने में मेरा दूसरा ट्रेन भी आ जाता है। रास्ते में मुझे आर्मी का ट्रेन और ये आइकॉनिक टोरसन नदी देखने को मिला जो मेरे गांव में जाने का टाइम मिलता है। और कुछ ब्यूटीफुल कर्व से होते हुए हमारी ट्रेन पहुंच जाती है माथवाहा रेलवे स्टेशन। और उसके बाद अपने पापा के बाइक से मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। खैर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव में अगले 1 साल के बाद। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में 6-7 महीना काम करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने गांव में टाइम स्पेंड करने के लिए। घर आके देखता हूँ कि मम्मी पिठा बनाने के लिए सामान रेडी कर रही है। इसके अलावा आज मैं घर आके 2 न्यू फैमिली मेंबर से भी मिल लिया। पिठा बनाते देखते हुए मैं भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए लग जाता हूँ। और हमारे यहाँ हर साल डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल पिठा बनाया जाता है। सबको सिर्फ आलू खाना पसंद है। और शाम को थोड़ी देर वॉलीबॉल गेम देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ पिठा खाने के लिए। और आज मैं पहली बार पिठा बनाने वाला हूँ। खैर आगे की स्टोरी के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो कल जब मैं घर आया था देखा कि मम्मी पिठा बनाने की तैयारी कर रही है। अभी बंगाली स्टाइल में पिठा तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज बस 3 तरीके का पिठा ही बनेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पिठा बनाने के लिए चावल का पाउडर चाहिए होता है जो आज भी हम सेम ट्रेडिशनल स्टाइल से निकालते हैं। और आज मेरी दीदी न्यू स्टाइल से पिठा बनाएगी जिसका मुझे नाम तक भी नहीं पता। और आज मैं भी पिठा बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ जिसका नाम है पार्टी सॉफ्टा मानपुरी। और मैंने सिर्फ पिठा तो नहीं बन पाया सही से, लेकिन उसका कचरा मैंने जरूर कर दिया है। खैर पिठा वगैरह खा के मैं रात को सो जा। आज हम पिकनिक खाने वाले, पिकनिक रात को, तो छोटा सा वीडियो होगा पिकनिक का। और अभी मैं सो के उठाऊँ 10 बजे। फिर पहुँच गया मच्छी मार्केट मच्छी लेने के लिए जो बंगालीज को ज्यादा पसंद होता है। अरे भाई। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आज हम पिकनिक खाने वाले, पिकनिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम पिकनिक खाने वाले हैं। और ये पिकनिक खाने का प्लान अचानक से भयानक ही हुआ है। तो हम गांव वाले पिकनिक खाने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए हमें बस चिकन और चावल चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट पे चिकन लेने के लिए। और यहाँ आके देखता हूँ कि चावल भी बैठा दिया गया है। और इस थाने में पिकनिक खाने का जो मजा है वो अलग ही होता है, वो भी अपने गाँव में।
बात तो सही। खैर हमारा चावल तो रेडी हो रहा है, साइड बाय साइड हम चिकन भी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने कांदा मिर्ची काट के सब रेडी करके रखा है, अभी बस मिक्स करना बाकी है। पहले तो हम तेल कांदा मिर्ची डाल के सबको मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली, उसके बाद हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और आज जो हम चिकन बनाएंगे बिल्कुल चिकनी के जैसा होगा, क्योंकि हम सभी को वैसे टाइप के खाना पसंद होता है। और चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपना चावल चेक करते हैं जो एक्चुअली में पक चुका है, तो इसके लिए हमें पानी निकालना होगा अभी, समझ रहे हो। खैर हमारा चिकन चकनी की तरह बना के नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। देखो भैया, ठंडी में अगर गांव जाके आपने पिकनिक नहीं खाया तो क्या ही किया आपने। और आज हम पिकनिक खाएंगे सिर्फ चिकन एंड राइस से। और मेरे हिसाब से गांव में पिकनिक खाने के लिए सिर्फ चिकन एंड मटन में ही पैसा देना होता है, बाकी सब तो हमें घर से ही मिल जाता है, जैसे कि तेल से लेके प्लेट तक। खैर इस बार तो हम सिर्फ चिकन से ही पिकनिक खा रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि चिकन को एकदम माखू माखू करके प्यार से बनाते हैं चकनी की जैसा। पिकनिक खाने का टाइम आ गया है, पिकनिक खाने का टाइम। हम तो पिकनिक खाता है अच्छा नहीं लगता। अच्छा और नहीं फिर प्लेट वगैरह धो के हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। और आज के चकने पार्टी में हमारे साथ और दो न्यू मेंबर ऐड हो गए। और खैर आज का चकना पार्टी हम सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको आज का चकना पार्टी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय। ऑल राइट गाइस, हैप्पी रामनवमी आप सभी को। जैसे कि आप देख सकते कि मेरे घर पे भी जो है दिया लगा दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरे घर के सामने भी आज राम मंदिर के उत्सव पे ना थोड़ा सा कीर्तन हो रहा है, तो उधर ही जाऊंगा मैं अभी, उधर से प्रसाद लेके आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है इस खुशी के मौके पे भारत के हर कोने पे राम जी का पूजा हो रहा है, तो इसीलिए हमारे गांव में छोटा सा एक पूजा हो रहा है। और हमारे यहाँ के गाँव में अगर कोई पूजा होता है ना तो आपको खिचड़ी प्रसाद जरूर मिलेगी, तो इसलिए मैं अभी प्रसाद खाने के लिए पहुँच गया। खैर पूजा स्थान में जाके देखता हूँ कि खिचड़ी प्रसाद बन चुका है, तो इसलिए हम प्लेट लेके बैठ जाते हैं। और आज का प्रसाद बहुत टेस्टी हुआ, इसलिए सभी दो तीन बार लेके खा रहे थे। वैसे मैंने दो प्लेट खाया था, साथ खा के हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। खैर आपके गांव में पूजा हुआ कि नहीं कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय। तो आज सुबह सुबह मैं पहुँच गया था स्कूल में, मगर क्यों? क्योंकि आज एक महान व्यक्ति का जन्मदिवस है। और स्कूल आके देखता हूँ कि सभी स्टूडेंट टीचर्स आ गए इंडियन फ्लैग को सजाने के लिए, तो मैं भी काम पे लग जाता हूँ। इसके अलावा सभी स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर लेके आ रहे थे इंडियन फ्लैग को सजाने के लिए। और इंडियन फ्लैग को अच्छे से सजाने के बाद सभी स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते हैं। और अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि हम किसका जन्मदिवस पालन कर रहे हैं तो आप खुद ही सुन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, और ये उनका 126वां जन्मदिवस पालन कर रहे हैं। और नेताजी का जन्मदिवस पालन करने से पहले हम सबसे पहले इंडियन फ्लैग को इनॉग्रेट करते हैं, एंड उसके बाद जनगणमन। और नेशनल एंथम के बाद सभी स्टूडेंट्स को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आहिस्ते आहिस्ते हम सब भूल जा रहे हैं, ऐसे सरकारी स्कूल भी कभी कभी हम याद दिलाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मुझे चॉकलेट भी मिला। क्या आज का वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आपको पता है गांव के हॉस्पिटल में आज भी दवाई फ्री में दिया जाता है, तो इसी बात का लाभ उठाने के लिए मैं भी पहुंच जाता हूं अपने गांव के हॉस्पिटल में। मगर क्यों? क्योंकि मेरा पेट दो तीन दिन से अपसेट है इसीलिए। और गांव के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, एक नर्स और कुछ पेशेंट्स डेली आते हैं। खैर दो तीन दिन से मेरा पेट अपसेट है, तो इसलिए मैंने नर्स को बताया, और नर्स ने मुझे दो ORS और कुछ टेबलेट्स दे दिए, जिसमें से मैं सिर्फ ORS ही खाऊंगा। अगर आपको फ्री में कोई दवाई चाहिए ना, तो देखो मुझे इतना सा दवाई मिल गया ऑलरेडी, और मेरा पेट खराब है दो तीन दिन से। एंड ये है सरकारी हॉस्पिटल मेरे पीछे, ठीक है, मेरे गांव का ही है, एंड मुझे ये फ्री में मिल गया सब कुछ। मुझे सिर्फ बताना होता है कि क्या हुआ मेरे साथ एंड कितने दिन से हो रहे हैं, बस उसके बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट का ना दवाई मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। आपसे बोला इसके अलावा आज का वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हॉस्पिटल से दवाई लेने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूं अपने घर पे, और घर आके देखता हूं कि सिगरेट का डब्बा आज दुकान पे खाली पड़ा हुआ है। खैर खाली डिब्बे को दो तीन मिनट देखने के बाद मैं अपने काम पे लग जाता हूं। गांव पे आने के बाद आपको क्या क्या काम करने को मिलता है? और आज मुझे घर से काम मिला है कि आम के ट्री को अच्छे से काट सकूं, ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो पाए। मम्मी के साथ मिलकर आम के ट्री को ठिकाने लगा दिया, और इतने में लेबर्स भी आ गए हमारे घर पे काम करने के लिए। और आज बहुत दिनों के बाद धूप निकल के आया, तो सोचा कि आज क्यों ना नहा लूं। जी हाँ दोस्तों, दो तीन दिन से मैंने नहाया नहीं ठंड के कारण, और आज मौका मिला है तो मैंने नहा लिया। और घर के लेबर के साथ मेरा भी खुद का काम खत्म करके मैं पहुंच जाता हूँ एंगेजमेंट सेरेमनी में। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक एंड सब्सक्राइब।
तो पिछले 2-3 दिन के बाद आज मैं नहा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है एंगेजमेंट पार्टी पे। और आज रोड पे आके पता चल रहा है कि लोग ठंडी में ही क्यों शादी करते हैं, ताकि ठंड में कोई मेहमान ना आ सके। और आज आए थे तो एंगेजमेंट पार्टी देखने के लिए, लेकिन यहाँ आके देख रहे कि सब खाली खाली है। खैर, लड़की वाले के घर पहुंचते हमें आदर के साथ पानी और मिठाई दिया गया, और मिठाई हाथ में आते हम तीनों लौंडे टूट पड़ते खाने के ऊपर। बोलो बाकी से। और थोड़ी देर ठंड सहन करने के बाद हम पहुंच जाते खाने के टेबल पे। और आगे की स्टोरी जानने के लिए डू सब्सक्राइब। देखो भैया, गांव के एंगेजमेंट पार्टी में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मिठाई आपको जरूर मिलेगा। और हम तीनों लौंडे भी प्रतिज्ञा लेके बैठ जाते हैं खाने के टेबल पे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बंगाली एंगेजमेंट में आपको क्या क्या खाने को मिलता है। ए, रहा नहीं जाता। टेंशन मत लो, सब नॉन वेज ही होगा। और प्लेट में दाल चावल फिश आते हम टूट पड़ते हैं। फिर उसके बाद फेमस मुरी घंटो एंड चौचुरी आ गया। खैर, खाने में ज्यादा हिसाब ना रख के मैं 3 पीस मच्छी खा लेता हूँ, और ये चौथा वाला है। और आज मैं सोच रहा हूँ की पूरा बाल्टी भर कर रसगुल्ला खा जाओ, लेकिन अध्ययन सिर्फ 4 ही खा पाया। हिंदी को और लास्ट में एक एक रसगुल्ला मुंह में लेके हम पहुंच जाते हैं धुएं वाले गेम पे। वीडियो अच्छा लगे डो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कल रात को डाकू बन के एंगेजमेंट पार्टी से घर आ गया, और घर आके सुबह उठ के देखता हूँ कि मैं हर तरफ फॉग ही फॉग, पूरा फॉग। और आज मैं सुबह सुबह उठ के नहा लिया, नहा के मैं रेडी होके दुकान में कुछ काम करके मैं निकल गया गांव के टूर में। और गांव के हरियाली को रिकॉर्ड करके जा ही रहा था, इतने में मेरा फोन गिरते गिरते बच गया। और गांव में इस टाइम पे चावल की खेती हो रही है, तो कुछ खराब रास्ते से होते हुए मैं पहुंच जाता हूँ अपने घर पे। बात सही है। और आज मुझे घर से कोई काम नहीं मिला, तो इसलिए मैं वॉलीबॉल खेल देखने के लिए आ गया। और रात होते ही मम्मी पापा के साथ आग का मजा लेता हूँ, जो काफी वर्थ इट था। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आई की स्टोरी के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ भी कहो भाई लोग, सुबह सुबह गांव का जो नजारा होता है ना, बहुत ही प्राइसलेस होता है। और आज मैं सुबह सुबह दुकान में बैठ के कस्टमर्स का वेट ही कर रहा था, इतने में ये आ गया। और ये है हम लोग का खास दोस्त, जिसको आलू खाना बहुत पसंद है। और फिर एक को आलू खिला के दूसरे के साथ खेल के मैं निकल जाता हूँ काम के लिए। खैर, काम तो कुछ हुआ नहीं, और आके देखा कि लेबर्स ईटा अनलोड कर रहे हैं। और ये क्या है, इसको मुझे इसके अंदर घुसाना है। और गांव में मुझे ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, जो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। शाम होते ही थोड़ी देर वॉलीबॉल खेल के मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट पे फिश एंड सब्जी लेने के लिए। और आज मैं दुकान बंद कर रहा हूँ पोली के साथ। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठ के मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ, और घर आके खजूर का पानी पीता हूँ, जो कि काफी हेल्पफुल होता है। और हमारे घर पे सभी कुत्तों को नाम लेके बुलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। आज हम जा रहे हैं नहाने के लिए अजीब गरीब तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आज हम खुले में नहाने के लिए जा रहे, तो इसलिए अजीब गरीब तरीके से आज नहाए। और इस कच्चे रास्ते से होते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन में पहुंच के सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कोई आसपास ना हो। और शिबू भाई से आपका बॉडी देख के आप कितना पॉइंट देंगे, ये कॉमेंट पे स्वागत है आप लोगों का। शिबू अभी नहा रहा है। आगे की स्टोरी के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव के सबसे पुराने मंदिर पे। और जैसे कि हमारी परंपरा है, मंदिर पे जाने से पहले नहाना पड़ता है, तो इसलिए सुबह सुबह पहुंच गया खुले में नहाने। और नहाने को तो मैं घर पे भी नहा सकता हूँ, लेकिन खुले में नहाने का जो मजा है ना, क्या ही बताओ। और फिर पूजा का सामान लेके रेडी हो चुके पूजा के, और फिर बाइक उठा के हम निकल जाते मंदिर की। और इस भगवान की पूजा के लिए हमें दूध, केला एंड पोहा चाहिए होगा, जो हम लेके नहीं आए थे क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में थे। और एक नदी ब्रिज क्रॉस करके हम पहुंच जाते मंदिर के स्थान पर। और मेरा टाइमिंग तो देखो, पहुंचते ही मंदिर का गेट खोल दिया गया है पूजा के लिए। आज के इस भगवान को हम बोलते हैं मासान बाबा। खैर, आगे की स्टोरी जानने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आखिरकार आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं गांव में हूँ, तो गांव में आने के बाद हवा पानी सब चेंज हो गया, तो इसीलिए मुझे नीचे से फूड पॉइजन और ऊपर से बुखार दोनों एक साथ हो गया। तो फूड पॉइजन बुखार से रिकवरी करने के बाद सोचा थोड़ा सा काम कर लूं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई काम ही नहीं किया। और आज मेरे साथ मेरा छोटा भांजा भी काम करने लगा है। और आज मैंने कंक्रीट ट्रांसफर करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंजीनियर के मुताबिक छत का कंक्रीट एक ही दिन में करना चाहिए। और छत पे आके देखता हूं कि हमें और कंक्रीट बनाना होगा। कंक्रीट बना के हम तो छत का काम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जरूर देना। बाय। क्या आपको पता है पौधों में हर रोज पानी देने से आपकी लाइफ कितनी हैप्पी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, मुझे भी पता नहीं था, तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह उठ के पौधों में पानी दिया, और उसके बाद इरिस्का के राइट पेज निकल गया। और घर आते ही मुझे दो नारियल ट्री हाथ में देके बता दिया जाता कि आपको काम करना है। जी हाँ दोस्तों, मुझे नारियल ट्री लगाना था, क्योंकि नारियल का भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और दोनों नारियल ट्री लगाने के बाद मैं प्लेग्राउंड में जा ही रहा था खेलने के लिए, तभी मुझे ये यूनिक चीजें देखने को मिला, बिना चाबी के इरिक्शा कैसे चालू करना होता है। और आज मेरा गाँव में आखिरी दिन है, तो इसीलिए इस दिन को अच्छे से खेल के ही बिताना चाहता हूँ। खैर, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय।
तो कुछ दिन पहले हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो हम रात भर काम करके पूरा करते हैं। और मजे की बात ये है मैं इन तीनों को भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि कल ही इसको पेंट हुआ है। और इतने में मेरा फ्लिपकार्ट से दो ऑर्डर आ गया है, एक में है भांजे के लिए साइकिल और दूसरे में है एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। खैर सबसे पहले भांजे के लिए साइकिल अनबॉक्सिंग कर लेता हूं, उसके बाद स्मार्ट टीवी अनबॉक्सिंग करेंगे। और इस साइकिल के प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो ये मुझे 4179 रुपए में मिल गया था जो कि काफी अच्छा खासा प्राइस मुझे लगा। और आज हम अनबॉक्सिंग करने के टाइम काफी ध्यान से कर रहे थे क्योंकि हमने पहली बार साइकिल ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अनबॉक्सिंग करके फटाफट से फिट करके भांजे के हाथ में साइकिल दे दिया ताकि वो अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाए। खैर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाना। बाय। आज सुबह सुबह फ्लिपकार्ट से दो ऑर्डर आ गया जिसमें से एक साइकिल है भांजे के लिए और एक स्मार्ट टीवी घर के लिए। अभी मेरा भांजा तो साइकिल लेके मस्त चला रहा है लेकिन टीवी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मेकअप क्योंकि आज रात को मुझे मुंबई के लिए निकलना होगा। और आज घर पे सत्यनारायण की पूजा भी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी पापा से अनबॉक्सिंग करवाया जाए। और आज हमारे घर पे पहला एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी अनबॉक्सिंग हो रहा है मम्मी पापा के द्वारा। जी हां दोस्तों, अनबॉक्सिंग तो मम्मी पापा ने अच्छे से कर लिया है, अभी इसको ऑन करना बाकी है। और आपके इन्फो के लिए बता दूं ये एक कैंडेस का स्मार्ट टीवी जो कि मुझे 12,500 में मिल गया था फ्लिपकार्ट से। खैर ये 40 इंच का टीवी आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, बाकी वीडियो अच्छे लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कल रात को टीवी अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं सीधे रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेन है रात के 11 बजे। ये ऑफिशियली जो है ना लॉग आउट हो चुका है, फिलहाल मैं कैब में हूँ तो मिलते सीधा। और गांव के अनुभूतिया रास्ते से होते हुए मैं पहुंच जाता हूँ अपने रेलवे स्टेशन। और स्टेशन पहुंच के सबसे पहले मैं तो प्लेटफॉर्म टिकट निकाल लिया क्योंकि मेरा बुकिंग पहले से करवा के रखा है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन धीरे धीरे आ जाती है। और आज सी ऑफ करने के लिए मम्मी आई थी रेलवे स्टेशन पे तो इसलिए मम्मी को बाय बोल के मैं सीधे ट्रेन के अंदर चला जाता हूँ। और मम्मी को स्टेशन पे बाय बोल के मुंह लटका के अपने सीट में बैठे ही था इतने में टीसी चेक करने के लिए। और अभी से आपको मुंबई के ब्लॉग से देखने को मिलेंगे। खैर आज का वीडियो अच्छा लगे डू लाइक एंड सब्सक्राइब।